बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फैमिली स्टार्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि बहुत यमी बनने वाला है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें प्लीज़। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाजरें ली हैं, ये इनको मैंने छील के वॉश कर लिया इनको मैंने, और इनको मैं ग्रेट करूँगी। ये मैंने एक बर्तन लिया है और इसको मैं इनको अब मैं कद्दूकस करूँगी। मैंने गाजर ले ली और ये देखें, ये सारी गाजरों को हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखें, ये गाजरों को मैंने कद्दूकस कर लिया, ये सारी गाजरों को। ये मैंने कढ़ाई ली है और ये मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है और नीचे से हल्की आंच जला दिया मैंने, और ये दूध की मलाई ली है, ये डालूंगी मैं कढ़ाई के अंदर। अब ये मैंने डाल दिए और ये मेल्ट हो रही है, तो इसका इसके अंदर से थोड़ा सा जो दूध होता है वो उसको आएंगे। ये इसके प्याज से पकाना है, ये नीचे लगे नहीं। ये देखिए, ये तकरीबन दूध इसके अंदर था जो थोड़ा सा, वो तकरीबन खुश्क हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये देखिए, ये मैं चीनी डाल रही हल्की आंच पे करना सारा, नहीं तो ये जल जाएगा। इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए, चीनी डालने से इसका कलर जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो ये थोड़ा सा पकाएंगे, मेल्ट होती है ना चीनी, तो इसमें दिखाते हैं। ये देखें, अब इसमें गाजरें डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे और इनको तेज़ आंच पे जो है ना इनको पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना, भूनना है इनको। ये देखें, ये गाजरों का पानी है, ये खुश करना है और इनको फिर अच्छी तरह भूनना है। पानी खुश्क हो चुका है और इसको भी भूनना है, और इसमें अब ये मैं देसी घी डाल रही हूँ थोड़ा। ये मैं आप जैसी घी लगेगा, ये देसी घी डाल के अब इसको भूनना। ये देखें, ये मैंने भून लिया, अब ये रेडी हो चुका है, ये हलवा हमारा तैयार हो चुका है। ना देखें, अब इसके अंदर मैं ये नट्स वगैरह डालूंगी, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। ये मैंने पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते। ये मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया है और ये मैं खोया अब इसमें डालूंगी, इसमें खोया ऐड करूंगी अब। ये देखिए, ये देखें, ये मैंने खोया डाल के अब इसको मैं मिक्स करूँगी। नीचे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया
और आप चाहें तो ये डाल लें, इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम आप इसको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें ये फाइनल लुक गाजर हलवे की, और ये तैयार हो चुका है और बहुत मज़े का बना है। आप भी बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा बना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआ में याद रखिएगा।